नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं माँ गंगे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड ईदलपुर जनपद हाथरस में। और यहां आलू की बोली लग रही है और आलू का आज रुझान देखेंगे, क्योंकि कई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है और किसानों का कुठाराघात हुआ है, यानी प्राकृतिक आपदा ने आलू की अगैती फसल को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। हालांकि जहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है वो गाढ़ खेत हैं और जो रेतीले खेत हैं उनमें अभी आकलन करने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कितना नुकसान हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कोल्ड स्टोरेज में क्या आलू की बोली चल रही है। और निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा, वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और इस समय पर क्या स्थिति है वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा, बरसात चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन निकासी नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपने अपनी आलू की निकासी रोक दी तो आलू के फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, चाहे आपका कितना भी नुकसान 40,000 हेक्टेयर में हुआ हो चाहे 60,000 में, तो कितना पैकेट लगा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कोल्ड स्टोर में जिस तरीके से अभी बैलेंस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा आलू के इफेक्ट डाल देगा, तो ऐसे में आलू की निकासी बरकरार करते रहिए, निकासी मत रोकना, मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है। चलिए अब बोली देख लेते हैं, बोली का क्या रुझान यहाँ पर चल रहा है। ₹70 बिक रहा है, राम राम बादम बाल कर, 775 रुपए में बिका है, नाम भी किसान का साथ में है। ₹100 गुल्ला, एक फट रुपया चिंटू के पापा, पैंसठ रुपया भूपेंद्र आउट है, क्या कट्टा है बामन, 70 रुपया, 75 रुपया, 75 रुपया, 75 रुपया, 77 रुपया, 81 रुपया, 81 रुपया, 81 रुपया, 85 रुपया, 90 रुपया, 90 रुपया, 92 रुपया, 95 रुपया, 95 रुपया, 95 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, कौन को पंप पे 5 रुपया में जा रहा है, पंप पे 5 रुपया। किसान साथियों, ये आलू बिका है 505 रुपये में, रेट भी देख लीजिए, किसान का नाम भी है। 3500 आलू 4 फ्री कौन है के ना है जी, जा की बात है रही, 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया माफा, 5 रुपया है, 11 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया तिवारी जी के, 20 रुपया, 25 रुपया, 31 रुपया, 31 रुपया, 32 रुपया, 35 रुपया, 37 रुपया, 50 रुपया, 750 रुपया, 50 रुपया, 55 रुपया, 1 फट रुपया, 1 फट रुपया, 65 रुपया, 71 रुपया, 71 रुपया, 85 रुपया, 86 रुपया, 86 रुपया, 786, 3500 आलू है, 786 रुपया, 800 रुपया, 1 रुपया, 801 रुपया में करो आलू कितो गए जगरा रहे काम फरमा जी। योगेश कुमार है, 801 रुपये में आलू का ही आपका, ये चम्मल का हो 37,000, पहले क्या रेट लगे थे, पहले 831 के दाम लगे, उससे पहले नहीं, और उससे पहले मैंने दिखाई नहीं, दो ही बार दिखाया, अब क्या लग रहा है, अब 801 के दाम है, 801 के दाम है, 801 के दाम है, आगे क्या लग रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा, निकालना ही पड़ा है। हाँ तो क्या कहना चाहिए किसानों के लिए, निकाल भी फायदा ऐसा हो तो जैसे उस समय कोई पता नहीं, कुछ बारिश का कोई पता नहीं, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, कोल्ड में ज़्यादा आलू है, हाँ निकाल दिया। चिप्स होना 900 रुपये में बिका है यार, चिप्स होना 900 रुपये। शिव कुमार नगला जमनी, आलू बेचने के लिए, क्या रेट लगा आलू का, मेरा रेट लगा था 400 रुपये, कौन सा आलू, 37,97 था, गुल्ला था, थोड़ा बहुत सुधार हुआ ना, सुधार तो वही कई बार देखा था, 10-5 उतर जाते बढ़ जाते हैं, वही चल रहा, हाँ वही है। रेट सही था, क्या मार्केटिंग क्या रही है, मार्केटिंग पहले की बार नहीं है, अब तो कम हो चुकी है। अगर बात की जाए 37,97 की, क्या रेट चला है, 37,97 के रेट हैं तुम्हारे 500 से लेके 700 तक, 700 और सादा जो 37,97 है।
600 से 850 रुपये। भैया यहाँ पे चिप सोना भी बिका है? हाँ चिप सोना बिका है। सोना का रेट? चिप सोना के रेट थे 900 रुपये थे, 25 रुपये तो 925। अगर बात की जाए सूर्या, सूर्या का क्या लगा है? सूर्या का लगा था 1000 रुपये से ऊपर लगाए। वो दिया नहीं दिया किसान ने? नहीं दिया है। अगर बात की जाए बीजा की? बीजा ये 500 से 600 रुपये थी। कौन सा है? गुल्ली है ये। कौन सी? सूर्या। सूर्या में है ये। तो दे दिया किसान ने? नहीं दिया, नहीं दिया है, अभी नहीं दिया है। कम लगेगा? हाँ कम लगा मांग। तो अब क्या लग रहा है आपको, आलू के रेटों में बढ़ोतरी होगी कि नहीं हो पाएगी? अब मुश्किल हो पाएगी, निकलना चाहिए सब। बारिश हो रही है, इसका कोई इफेक्ट है? कुछ नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं है ये तो। रामवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले? मीरपुर। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ आलू बेचने आए। इस समय पर क्या लग रहा है आपको? इस समय पर लग रहा है बारिश हो रही है, वर्षा भारी हो रही है और नुकसान भी बोर हो रहा है। 5-4-5 जिलों में भारी बारिश है। पूरम में कन्नौज है, फरक्काबाद है और जो गाढ़ खेत है उनमें तो बहुत ही पानी डोरों के ऊपर भर गया, उनमें नुकसान है और नुकसान है। और जो ऊपर के खेत हैं उनमें नुकसान नहीं है, रेतीले खेत में कोई नुकसान नहीं है। और जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना भी चाहिए। हाँ बहुत लागत लगती है। अब जो बारिश हो रही है इसका कोल्ड स्टोरेज पर कितना इफेक्ट हो रहा है, कितने रुपए तक बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आलू है अभी कोल्ड स्टोर में कितना जमा है क्या ये तो पूरे देख के होगी। लेकिन जो दिसंबर में आलू आने वाला था वो थोड़ा लेट होगा, थोड़ा बहुत बाकी सब ऐसे ही चलेगा। सही है। और वैसे तो बेचने में फ़ायदा आया, वो रोकने में नहीं। बेचने में फायदा? पिछली बार क्या रेट चले थे, अब क्या है? पिछली बार तो वो ठीक है और पीछे आके भी सस्ते भाई। सस्ते है कि बीच का चल रहा है? अब तो बीच का है जो सस्ता है, पहले इतने सस्ता है। हाँ निकालने में भलाई है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब देवकी नंदन। कहाँ के रहने वाले? मीरपुर के। आलू बेचने आए थे? आलू बेच हुए आए। कितने बीघा करे किए थे? होने करे 8-9 बीघा। इस समय पर क्या स्थिति चल रही है? स्थिति तो थोड़ी डाउन ही है। थोड़ी डाउन है कि ज़्यादा डाउन ही है? हाँ ना है, ज़्यादा तो ना है पर थोड़ी डाउन है। इस समय आलू निकालने में फायदा नहीं है? अब देखो भैया लग जाए तो बढ़िया है, ज़्यादा अब ऊपर की आपत हो गए जन का हो। ये प्राकृतिक आपदा आ रही है, इसका कितना असर हो रहा है? असर तो पड़ेगा। कितने का असर तो पड़ेगा? वह इतने का पूरी जात तो इतना ही आलू है भैया। जी तो पोधी पत्रा भाई ना यहाँ तो पोधी पत्रा भाई ना यहाँ तो वैसे रबिया पा मरे भाई। तो क्या लग रहा है अब आपको? पूरी कन्नौज जन में तो भैया नुकसान हुआ पलंग, और जो गाड़ खेत में ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैसे में तो इतना तो जो होगा उन रेतीले में तो हो गो, पर जो गाड़े हैं उन्हें तो नुकसान होना ही होना है। होना ही होना है। हाँ हाँ वो तो लगेंगे भैया, ऊपर तक पानी आ जाएगा तो जो क्या होगा, नुकसान तो होगा। नुकसान तो होगा। क्या कहना चाहिए ऐसे किसानों को? जाओ किसानों को जो मिल जाए बढ़िया, जो नुकसान हो तो कहू को। हाँ जो किसान जी अब जो आलू रह गए तो जाए तो भैया जिलका तिरेंगे तो बढ़िया ही रहेगो, और नहीं तो फिर रोके बेमेगारी का, क्योंकि तो कोई गारंटी है ना कि जे हाँ फिर कोई गुना है। निकालते रहना चाहिए। हाँ निकालते रहना चाहिए। हर रेट लेना चाहिए, हर रेट लेना चाहिए। आज वो मद्दो है तो पहले कछू पीछे को महंगा उठे हो तो जब कछू लिखा जाए तो बढ़िया ही बढ़िया है। हर रेट लेना चाहिए, हर रेट लेना ही चाहिए। कोई नहीं हो सकता। भैया क्या नाम है आपका? योगेंद्र चौधरी। कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का। अच्छा, क्या करने आलू बेचने आया हूँ। योगेंद्र भैया इस समय पर क्या स्थिति चल रही है? आलू की अच्छी स्थिति चल रही है इस समय तो। अगर बात की जाए भावों को लेकर तो किसान इस भाव से संतुष्ट नहीं है, क्या भाव चल रहा है? नहीं भाव तो सही है, 900-950 तक चल रहा है। नीचे में क्या चल रहा है? नीचे में 600-700। अच्छा, जैसे क्वालिटी वैसे ही? हाँ क्वालिटी का दाम है वो तो। भैया जो अब क्या लग रहा है आपको, किसानों के लिए क्या कहना है? किसानों के लिए ये कहना चाहूँगा मैं तो, जितना भी भाव है अब बेच दें, आगे के लिए और स्थिति खराब होती जाएगी। जैसे कि अभी
जिस साइक्लोनिक सिस्टम चल रहा है आप देख रहे हैं नौरू तूफान का, कई जिलों में भारी बरसात हुई है, इसमें क्या लग रहा है? रेताली जगह में कोई दिक्कत नहीं है, बारिश तो गाढ़ा खेती है उसी में दिक्कत है बस। कई किसान अभी जैसे आपको देखेंगे तो ये कहेंगे 900-950 का रेट है, 800-850 चल रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं आलू का रेट है वो तो, आलू अच्छा है क्वालिटी का तो रेट 900 तो हमने भी बेचा अभी। अच्छा भैया एक बात बताइए, मंडियों में दबाव कम हुआ या नहीं हुआ? मंडियों में दबाव मतलब मंडियों में भाव कोई कम नहीं है? कोई कम नहीं है, बैलेंस के भाव, बैलेंस भी भाव भी कोई कम नहीं, सब्जी सही चल रहा है सबसे। अगर बैलेंस की बात करें तो कौन सी में ज़्यादा है इस समय? तो दिल्ली में सही दिख रहा है, दिल्ली में ज़्यादा बैलेंस है, बाकी सब साउथ में क्लियर है? हाँ साउथ में क्लियर है, तो मांग आ सकती है? हाँ आ सकती है। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? सलाह तो यही रहेगी किसानों के लिए, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ख़त्म कर दें, आलू को बेच दें तो सही रहेगा, बाकी कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, ये तो नसीब की बात है। हाँ क्या स्थिति चल रही है यहाँ पर? अब पता नहीं है, अब बोली लगे बार के रेट तो 850 रुपये के हैं मोटे आलू के, अभी अच्छी रेट पर बिक रहा है आलू? हाँ अभी तो ठीक बिक रहा है, लेकिन किसान बेचने का इच्छुक नहीं है। क्यों? पता नहीं है, किसान के अंदर ये बस बनी पड़ी है अभी तो, के रेट और आने की उम्मीद है, और ज़्यादा बढ़ेगा। क्या लग रहा है, जैसे आज बारिश हो रही है कई मैनपुरी फरुखाबाद कन्नौज में ज़्यादा बारिश, बताइए क्या उसका असर आएगा रेटों पे? अब ये तो पता नहीं है, ये तो व्यापारी लोग और आप लोग ही बता सकते हो, हम तो किसान भाई हैं, हमें क्या पता है क्या होगा आगे। क्या बताया जा रहा है कि जो परती भूमि है जैसे रेतीली जमीन बोलते हैं वहाँ कोई नुकसान नहीं, गाढ़ खेतों में नुकसान है, क्या ये बात सही है? 2-4% हो जाए तो हो सकता है, बाकी सही है, बाकी तो सही है। तो किसान साथियों, मैसर्स जय माँ गंगे कोल्ड स्टोरेज में आज का रुझान किसानों से काफ़ी देखने को मिला है, काफ़ी किसान जो है अपने आलू की बिक्री भी किए हैं, कई किसानों को अब भी लग रहा है जिनका कंधा मजबूत है कि आलू महंगा होगा, कई किसान ऐसे हैं जो कि अब भी ये कह रहे हैं कि अब कोई स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है, ऐसे में निकालने में ही ज्ञान है, तो उन्होंने अपना आलू निकाला भी है क्योंकि आवश्यकता ही उसकी जननी होती है, और ऐसे में आलू का जो बाजार का भाव चला है कोल्ड स्टोर पर वो काफ़ी सकारात्मक रहा है, यानी कि 600 रुपये से लेकर 850-850 रुपये तक का 3700 बढ़िया चला है। अगर सूर्या की बात करें तो सूर्या 1025 तक भी बिका है, और अगर बात की जाए चिप्सोना की वो 900-925 तक का यहाँ पर बाजार चला है। अगर शुगर फ्री के 3797 की बात करें तो शुगर फ्री 500 रुपये से लेकर 650 रुपये, अगर हाइब्रिड की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 750 का हाइब्रिड कोई भी हो सकता है, हाइब्रिडों पर ख्याति पुखराज एनीबडी जितना भी हाइब्रिड में आता है वो सब इसी रेट पर बिका है। और अगर गुल्ला गुल्ली की बात करें तो गुल्ला गुल्ली में थोड़ा 25-30 रुपये का करंट देखा गया है, यानी कि इतना करंट नहीं है, हाँ हालांकि करंट गुल्ला गुल्ली में ज़रूर आया है। तो ऐसे में आप अपने आलू को निकाल सकते हैं, आलू के अच्छे रेट चलें, हालांकि जहां पर नुकसान हुआ है उन किसानों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और किसान सरकार से भी हम निवेदन यही करेंगे जल्द से जल्द मैनपुरी कन्नौज फरुखाबाद बांगरमऊ यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कराकर सरकार किसानों की क्षतिपूर्ति करे ताकि वो दोबारा से आलू बुवाई के लिए सक्षम हो सकें। और ऐसे में आप लोगों से भी मेरी विनम्र निवेदन है, ऊना में भी जो हिमाचल प्रदेश का ऊना है वहाँ पर भी रात से मूसलाधार बारिश है, वीडियो वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए क्योंकि बारिश होने की वजह से, अब शायद वीडियो भेज दिए उन्होंने, मैं आपको वीडियो शाम सवेरे में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। किसानों ने बड़ी दुख की विडम्बना की बात है, किसान चारों ओर से फंसा हुआ है, और जब भी किसान से ये बात कही जाती है तो किसान अपने आप को ठगासा महसूस करता है, ऐसे में इस समय पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हाथों हाथ निकालते रहिए, ऐसा मत कीजिए कि आलू की निकासी ठप कर दें, और निकासी अगर ठप हुई तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ही देगी, साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है इसका, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि एकदम हवा क्रिएट कर देते हैं, ऐसे में आप लोग बचते रहिए, आलू की निकासी करते रहिए। अगर कोई 1400-1500 का ख्वाब दिखा रहा है तो वो जो दिखा रहा है वो आपका आलू रुकवाने के लिए दिखा रहा है, और हो सकता है कि वही आलू 1400 रुपया के 3 खरीद ले, ऐसे में इन लोगों से बच के रहिए, जो रेट मिल रहा है उस रेट को मौके को भुनाइए। कुछ लोग आलू को आगे बचा के भी रखिए, हो सकता है अगर 1400 अगर उनकी जुबान पर लक्ष्मी बैठी हुई है हो सकता है 1400 हो जाए तो आपको 1400 की रेट भी मिल जाए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि 10,000 पैकेट हैं तो 10,000 पैकेट ही रोक के बैठे हुए, उसमें से कुछ ना कुछ निकालिए। तो यही था मेरे साथ में माँ गंगे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से समस्त आलू के भाव, किसानों की राय जानी आपका।